जी, ये तो सही कह रहे हो। तो कोसी तो नीचे से जाती है टैक्सी, तो इधर कहाँ से जाएगा? थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही है, बाकी जिम के कारण मैंने अपना घर छोड़ा, मतलब घर यहाँ से। मेरे ना स्टैक्स मार्क पड़े हुए हैं, देखो कितने सारे यहाँ, ये पड़े बहुत भयंकर पड़े थे। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, भैया बहुत अच्छे हैं तो इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई केदारनाथ तक पहुँचते पहुँचते तो बाबा बन लूंगा पूरा। सो भाई फाइनली आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अल्मोड़ा को, आज छोड़ के 3 दिन हो गए भाई मेरे को अल्मोड़ा में रहते हुए। और ये था नंदा देवी टेम्पल जहाँ पे मैंने स्टे किया था, वहाँ पे कैंप लगाता था। फिलहाल अभी अपना चलते हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए, अभी देखते हैं आगे जाके कैसे कैसे सफ़र होता है। अभी मेरा जो प्लान है वो जाने का है बैजीनाथ के लिए, तो अप्रोक्स यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर है, अभी देखते हैं पहुँच पाते नहीं। अभी 10:30 हो गए, अभी 10:30 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, व्लॉग वगैरह भी एडिट कर रहा था और थोड़ा थक भी गया था काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, भगवान बस सब कुछ भला करे। कोशी को जाना है मुझे, तो आपको कोशी का छोटा रास्ता बता देंगे। अच्छा अच्छा, आप 1.5 घंटे में कोशी पहुंच जाओगे। ठीक है ठीक है, फिर कोशी से फिर मेरे को बैजनाथ के लिए मिल जाएगा, फिर बैजनाथ के लिए आपको डायरेक्ट कर जाएंगे। अच्छा अच्छा, इस साइड से कोई रास्ता नहीं है, यहाँ जो है लंबा पड़ेगा। अच्छा लंबा है वो, अच्छा इधर से जाना चाहिए, लेकिन डंडे का इंजाम जरूर कर लेना भैया। हाँ नहीं, अभी डंडा लूंगा। मोहित राठी, मोहित राठी जी मोहित राठी। तो मेरे लिए कोई सेवा? नहीं नहीं अंकल जी, थैंक यू, बस रास्ता ही पूछ रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था ना मेरे को, तो इसलिए बस हो गया बस के लिए। कहीं रिपोर्ट रहो, मेरा नंबर ले लो, कहीं पे कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो? नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब, बस भोलेनाथ कराएंगे सर। हमारे मेहमान हो यार। नहीं नहीं अंकल जी बिल्कुल, बहुत उत्तराखंड में काफी अच्छे लोग मेरे को मिले। आप भी अच्छे हैं, हाँ ये तो है अंकल जी, परिस्थितियाँ होती। जी 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 जी, ये तो सही कह रहे हो, परिस्थितियाँ होती है, आदमी नहीं होता, अच्छा आदमी बदल जाता है, बुरा आदमी भी अच्छा आदमी बुरा हो जाता है। जी 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 जी, ये तो आप सही कह रहे हो। ओके ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। किधर तक जा रहे हो भाई आप? मेरे को कोसी जाना है। हाँ रास्ता आ गया आपको, तो मेरे को बैजीनाथ के लिए जाना है, तो कह रहे थे कि कोसी से मिलेगा। तो कोसी तो नीचे से जाती है टैक्सी, तो इधर कहाँ से जाएगा रास्ता भी है? इधर से अगर एनटीटी तक पहुँचो तो एनटीटी से उधर को जाता है। आप कहाँ तक जाओगे लास्ट? मैं तो आगे को जा रहा हूँ कसारदी। कहाँ से आप? कसारदी मैं बुलंदशहर से हूँ। कोसी के लिए जाना था, तो किधर से जाना पड़ेगा फिर? यार अगर बेस्ट वे तो कहूँ कि आपको वापस से जाना, आप नीचे से आ रहे हो? जी जी जी, तो वहीं से टैक्सी स्टैंड से क्यों नहीं गए? नहीं मेरे को उधर से जाना था ना, पैदल जाना था मेरे को, कोसी के लिए बताया था, बैजीनाथ जाना है मेरे को। बैजीनाथ तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो मैं आपको एनटीटी तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको दिख भी जाएगा रास्ता यहाँ से। ठीक है थैंक यू भैया। But our pieces left uncovered. I'm thinking about four. भाई अभी मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं है प्रॉपरली रास्ते के बारे में, और गूगल भी इतना करेक्ट नहीं बता पाता है, तो अभी मेरे को ये भैया मिले यहाँ से। तो क्या नाम भैया आपका? अक्षय देवा। और भैया का एक चैनल यूट्यूब चैनल भी है, भैया बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताते हैं थोड़ा। जस्ट अभी स्टार्टिंग रखा मैंने चीजें, तो अच्छा, अभी अच्छा। जस्ट जैसे तैसे कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता। और अभी मैंने देखा ना कि आप ट्रेवल कर रहे हो, तो मैंने कहा हेल्प करनी चाहिए, मैंने सोचा आप कसारदेवी भी जा रहे हो। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा उस तरफ को मेरा घर है, तो आई थॉट कि उन्हें हेल्प करना चाहिए, तो मैंने गाड़ी स्कूटी रोकी, बट थोड़ी लंबे रूट में आगे थे, वे सही था बट रूट बहुत लंबा था, तो मैंने बता दिया, थोड़े आगे तक भी मैंने आपको स्कूटी में ले आया, तो भाई ने मेरे को हेल्प किया। और वैसे भी भाई जिम से है, मैंने भी इतना सारा जिम किया है, और मेरे ना स्टैक्स मार्क पड़े हुए हैं, देखो कितने सारे यहाँ ये पड़े हैं, बहुत भयंकर पड़े थे। मैं भैया का यूट्यूब चैनल भी डलवाता हूँ, भैया आपका यूट्यूब चैनल बताओ। मेरा E2F है नाम, और ब्रैकेट में अक्षय देवा फिटनेस है। तो जस्ट मैं नेचुरल वे पे चलता हूँ, एंड अभी जॉब भी कर रहा हूँ, एंड थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही है, बाकी जिम के कारण मैंने अपना घर छोड़ा, मतलब घर यहाँ से मेरा 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो मैं एज ए रेंटेड अपार्टमेंट अल्मोड़ा रहता हूँ जिम के ही बगल में। जी जी, क्योंकि पहले मैं घर से आता था तो 17 किलोमीटर आना जाना टोटल 35 किलोमीटर हो जाता था, तो अभी चल रहा है, जैसे आज संडे है तो मैं अभी घर वालों से मिलने जा रहा हूं। भाई जिम का ना ऐसे ही होता है, एक दिन भी ना जाओ ना जिम तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिस कर दिया हो। खैर भाई थैंक यू, आपने मेरे को छोड़ा यहाँ के लिए। उत्तराखंड कैसा लगा? मेरे को बहुत बढ़िया लगा, यहाँ के बंदे बहुत अच्छे थे। अभी मैं नंदा देवी टेम्पल पर 2 दिन से रुका हुआ था, मतलब की एक नेक्स्ट लेवल है वहाँ, चिंटू भैया भी करके मेरे को मिले वहाँ पे, उन्होंने पूरा खाने पीने के लिए मेरे को फोर्स किया खाना आप यहाँ दर खाना। तो वैसे तो जनरली मैं किसी के यहाँ पे इतना जाता नहीं, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा ही लगता है, कोई नहीं यही है, बट
थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में। अपना उत्तराखंड ये सब कुछ हेल्प करते हैं। मेरे को उत्तराखंड मतलब कि बेस्ट लगा, और बेसिकली अल्मोड़ा में थोड़ा मेरे को ये लगा कि जैसे कोई गेस्ट आता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा करते हैं यहाँ पे लोग। मेरे को अच्छा लगता है। हाँ तो इसीलिए मेरा जो रीजन था ना वो ये, इसीलिए मैं हिचहाइकिंग करके और पैदल इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि भाई जैसे लोगों से मिल सकता हूँ, क्योंकि बस वगैरह से तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं कहीं भी और कोई इशू नहीं होता, बट ऐसे लोगों से जब भी मिल सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। तो अभी ये भाई मेरे को मिले, ये जिम लवर थे, तो अभी भाई अपने घर जा रहे थे, कहीं जिम की वजह से थोड़ा दूर लिया हुआ है ना उन्हें घर। जैसे भाई अभी फिलहाल में थोड़ा रास्ता ना गलत आ रहा था, तो भाई ने मेरे को हेल्प किया, अभी मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, तो इस साइड से करके पहुँचना पड़ेगा। एक तो गूगल भी अगर यूज़ करते हैं तो गूगल मैप भी बहुत गलती बता देता है कभी कभी, तो भाई बस ऐसे भाई लोग मिल जाते हैं जो हेल्प करते हैं। और भाई मेरे को अल्मोड़ा में 3 दिन रह के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले मेरे को यहाँ पे। तो जो भी भाई मेरा अल्मोड़ा से देख रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ज़रूर, और बताना आपकी आप भी अल्मोड़ा से हो। अगर आप मेरे से मिले हो तो ज़रूर इस पर लिख देना कि आप मुझसे मिले भी हो। सो भाई अभी चलते हैं आगे की यात्रा के लिए, और ऑलमोस्ट अभी टाइम हो गया 11:11, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी जाना है अपने को कोसी, देन कोसी से मिलेगा अपने को बैजीनाथ के लिए रास्ता। तो फिलहाल चल रहे हैं, लाठी अपने साथ में, ये बहुत ज़रूरी है। एक अंकल जी मेरे को मिले थे, कह रहे थे थोड़ा इससे बड़ा लेना डंडा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने कि हाँ ठीक कहीं लूँगा, पहले मेरे पे था बट मैं कहीं भूल गया उसको, बट अभी आए कहीं जगह मिलेगी तो लेना मेरे को जरूर है यार। जाना प्रॉपर बैजीनाथ के लिए है। जी जी, गरुड़ वाली बस पकड़ना कहाँ से? अच्छा, हेलो। इधर आया था घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो चार धाम की यात्रा चल रही थी। सूर्य भाई आपने ना सही बोला था कि उत्तराखंड के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, और स्पेशली अल्मोड़ा के, मतलब जैसे होता है ना कि अतिथि देवो भवा, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल है, हर कोई यहाँ पे हेल्प करता है। अभी ये लगा लो जो अंकल जी थे इनका घर ऊपर ही था, ये 2.5 किलोमीटर मेरे को नीचे छोड़ने के लिए आए कि बेटा आप ना इधर से जाना, यहाँ से सही रास्ता है, आप परदेसी हो, टूरिस्ट हो, आपको नहीं पता प्रॉपर यहाँ के बारे में। तो भाई ऐसे भी कुछ इंसान हैं जो इस तरह से हेल्प कर देते हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई अभी तक फिलहाल उत्तराखंड में, और स्पेशली अल्मोड़ा में आके मैंने 3 दिन स्टे किया अल्मोड़ा में, बाकी उत्तराखंड में मैंने किसी भी जगह इतने दिन नहीं किया। बाकी भाई अल्मोड़ा मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और हो सकता है मे भी कभी अगर इन फ्यूचर में आने का चांस मिला तो ज़रूर आऊँगा। अभी फ़िलहाल निकलते हैं आगे के लिए, रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। भैया कोसी आ रहे हो? अच्छा, कोई नहीं। तो आप पैदल क्यों घूम रहे हो? मैं हिचहाइकिंग करके घूम रहा हूँ, अभी इधर उत्तराखंड आया था चार धाम की यात्रा के लिए। हाँ। तो बस ऐसे उत्तराखंड एक्सप्लोर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ यूट्यूब। हाँ, पैदल यूट्यूब से वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो बस ऐसे ही। भाई फाइनली यानी मेरे को कोसी तक के लिए छोड़ दिया है, तो ये भैया आए हैं। अब क्या नाम भैया आपका? मनीष। आप यहाँ कोसी से ही हो प्रॉपरली? अच्छा, तो भाई अभी फिलहाल मेरे भैया ने मेरे को कोसी छोड़ दिया, और भैया ने मेरे को और भी जगह बताई है घूमने के लिए, तो फिलहाल मैं अभी आगे के लिए जा रहा हूँ, तो अभी बैजनाथ के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, यही रूट है एक प्रॉपरली। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू आपने मेरे को यहाँ तक छोड़ा, और भैया ने चैनल भी सब्सक्राइब किया, कमेंट करना भैया आप, है ना? ठीक है, थैंक यू भैया। भाई आज ना मेरे को थोड़ा कम चलना पड़ेगा क्योंकि अभी लगा लो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 30-35 किलोमीटर के आसपास तो लिफ्ट मेरे को भैया ने दे दी है, और भैया ये इस साइड में आ रहे थे। आपका नाम क्या भैया? भैया आदित्य चम्याला मेरा नाम। अच्छा, आप यही उत्तराखंड से हो प्रॉपरली? हैं। अच्छा, किस जगह रहते हो? ये मैं जागेश्वर रहता हूँ, आज यहाँ सोमेश्वर काम के लिए आया था कुछ, तो भैया मेरे को रास्ते में मिल गए थे तो बहुत अच्छा लगा, रास्ता भी कट गया था, 30-35 किलोमीटर था अल्मोड़े से यहाँ। तो आप ब्लॉग पे बने रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, भैया बहुत अच्छे हैं तो इनको सपोर्ट करना है, आपका खर्च बनता है। बिल्कुल भाई, देख लो उत्तराखंड के भैया हैं ये, तो अभी फिलहाल भैया ने मेरे को छोड़ दिया कम से कम 30-35 किलोमीटर, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता, अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं थोड़ा ही दूर रह गया है बस मेरा, तो फिलहाल वहाँ से जाता हूँ। भैया ने भी चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, और कमेंट भी करना आप। ठीक है बड़े भाई? ठीक है, बिल्कुल सर, मिलते हैं फिर आपसे कभी। है बहुत लाठी बहुत गिरती रहती है मेरी, ये बहुत जरूरी है पहाड़ों में। ठीक है भाई, थैंक यू। सो भाई अभी फाइनली एक स्टॉप लिया है, अभी थोड़ा सा जो है बीएड वगैरह थोड़ा सही करा लेता हूँ क्योंकि खत वगैरह बनवा लेता हूँ, कम से ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए मेरे को जब से मैंने बनवाई नहीं है। और ये भाई ये अपने मुरादाबाद से है, यूपी से ही, तो भाई बस सभी मेरे को यहाँ मिल गए उत्तराखंड में, अभी थोड़ा भाई से करवाते हैं सही, क्योंकि भाई केदारनाथ तक पहुँचते पहुँचते तो बाबा बन लूंगा पूरा। और भाई छोटू अपना नाम बताओ। तारीगंज। आप कहाँ से? मुरादाबाद से ना? मुरादाबाद। और बताओ कैसी है यहाँ पे लाइफ उत्तराखंड में? मजा आ रहे हैं? और यहीं पे रहते हो प्रॉपरली अब पूरा? हाँ। फिर यूपी नहीं जाते हो? यूपी जाते हैं अब 16 अप्रैल में जाएंगे। अच्छा, मतलब कभी कभी जाते हो? और फैमिली भी वहाँ पर रहती है मुरादाबाद। अच्छा,
तो भाई अपने यूपी वाले भाई उत्तराखंड में भी मिल रहे हैं, तो भाई के लिए एक लाइक बनता है, ठीक है।